ठीक है देखो चालू हो गया। ठीक है पहले हम इसको एम बी यहाँ रख लेते हैं, जिससे एक हम बात बोलते हैं जो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बोलते आए, क्या कि हम दिए हुए फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट या मोलर मास ऑफ सल्यूट, है ना। तो अगर हमें इससे एम बी निकालना है, आप इस फॉर्मूले को याद रखो बच्चों, इससे हमारा सब कुछ हो जाना है ना। तो देखिए एम बी को अगर हम यहाँ ले आए, मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी। ये तो बच्चों हम लोग आगे पीछे छाई है खेलते रहते हैं, पता है ना छोटे में खेलते थे जो ए, ए। इस इक्वेशन का नाम भी है, इसको बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन हम इसको वांट ऑफ नहीं लिखवा रहे आपको जानबूझ के। रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों आगे जाके आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हो, आप वांट ऑफ फैक्टर, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वांट ऑफ डाइल्यूट इक्वेशन लिखना कि वांट ऑफ फैक्टर, तो ये वाला तो कभी भी नहीं आता, वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट, यही है, दिस इज द कॉल वांट, दिस इज कॉल वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वांट ऑफ, तो आपको चिंता ही नहीं करनी है इसकी, है ना। वांट ऑफ फैक्टर, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए हम वांट ऑफ फैक्टर में ही से वांट ऑफ का नाम लिखवाएंगे, ये कभी भी नहीं पूछा जाता है ऐसा। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाता है तो उसमें सब कुछ लिखना है, ठीक है। इसमें बच्चों एक लाइन लिखेंगे हम, द इक्वेशन या फॉर्मूला लिख लो आप जो भी आपको अच्छा लगे, द इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड। बच्चों अच्छे से थ्योरी याद करनी है, खूब न्यूमेरिकल्स लगाने हैं हमें, ध्यान रखिएगा। उसके पहले हम सबको पहले एक बार चैप्टर समझा देंगे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर लिख लें या मोलर लिख लें ना, मॉलिकुलर या आप लिख सकते हो और मोलर, मॉलिकुलर और मोलर मास, डेट मीन एम बी बोल देते हैं, जिसको दिख नहीं रहा होगा ना। द इक्वेशन द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर और मोलर मास, मॉलिकुलर इज यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर और मोलर ए एम बी, है ना, मॉलिकुलर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसी इक्वेशन को बोलते हैं, इसको बोल दो, इसको बोल दो बॉन्ड ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। हालांकि इसमें से 99% पाई निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको निकालने के लिए बहुत कम आते हैं ए पाई। अब देखिए बच्चों इसमें हमें याद क्या रखना है, अब आगे चलते हैं, ठीक है देखिए देखिए ध्यान से, वी नो दैट क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है, चक्कर, नींद, पानी ला दे, चाय, वी नो दैट देखो बच्चों हम जानते हैं पाई वी इक्वल एन वी आर टी। अब बच्चों देखो इसमें आपको किसको किसमें रखना है, पाई क्या एक प्रेशर है और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, बार, पास्कल, ये होती है प्रेशर की यूनिट्स आपकी। तो अब पाई को आपको किसमें निकालना है, क्वेश्चन में कह दिया पाई एटीएम, ऐसे पूछते हैं कहेंगे पाई को एटीएम में निकालो, पाई को बार में निकालो, तो बच्चों देखो ये डिपेंड करेगा आपको पाई एटीएम में निकालना कि बार में, वो डिपेंड करेगा कि आर की यूनिट आपने किस में रखी, ठीक है। तो देखिए पहले हम आपको बता दें ध्यान से, जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है
इसको हमेशा आपको लेना है लीटर में, ऑलवेज इन लीटर, ध्यान रखिएगा ठीक है। इस बच्चे इस बात को बच्चों अच्छे से ध्यान कर लो, इसको हमेशा लीटर में लेना है, ऑलवेज लीटर में ही है, क्योंकि हमने कौन यहाँ थाउजेंड थाउजेंड से डिवाइड किया है। टेम्परेचर हमेशा किसी में भी दिया हो किस में लेना है, केल्विन में, बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, नोट करते चलो, केल्विन में लेना है। बाकी मोल तो निकाल लें, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मास बटे मोलर मास से निकाल लेंगे। अब आर और पाई की बात आ गई, ठीक है, ये तो हमने ऑलवेज के कर दिए, वॉल्यूम ऑलवेज लीटर में लेना है, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लेना है। अब बात आ गई पाई और आर की, देखिए इफ अगर आपको चाहिए पाई एटीएम में, ध्यान रखिएगा बच्चों पाई एटीएम में चाहिए आपको, तो आर की आपको एटीएम वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, याद करो बच्चों 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखो बच्चों कैसे, ए वाला लीटर और ए वाला लीटर कैंसिल हो जाएगा, ए मोल और ए मोल कैंसिल हो जाएंगे, ए वाला केल्विन और ए वाला केल्विन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा तो पाई किस में आ जाएगा, एटीएम में, पहली चीज बच्चों ये वैल्यू। और पाई एटीएम अगर उनने आर आपको दे दिया कि ये वाली रखो तब तो यही रखनी है, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया ये पाई एटीएम में निकालो तो आपको अपने मन से आर की ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी देखो बच्चों पॉइंट बी नंबर, हालांकि जो एटीएम में आंसर आता है वही आंसर आप बार में भी लिख सकते हो, ये आपको हमने हिंट बता दी, एटीएम के आंसर को आप बार में लिख सकते हो, ऐसा क्यों, देखिए बी पॉइंट देखिए, इफ पाई हमें चाहिए बार में, अगर बच्चों पाई हमें बार में चाहिए तो फिर आर की बार वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या होती है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखो बच्चों पूरा वही तो लिख दिया हमने, लीटर एटीएम की जगह से बार लिख दिया, और वैल्यू भी देखो लगभग सेम है, 0.082 और ये 0.083 ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट, तो इसमें अब आपको नहीं घबराना है, एटीएम का आंसर या बार में लिख सकते हो, बार का आंसर या पेटीएम में लिख सकते हो। अच्छा आपको अगर 100% एक्यूरेट चाहिए तो फिर उसके लिए हमने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये दो चीज़ें ये बच्चों आपको याद रखनी है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 0.082 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। 99% ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है इसका, जो एमपी बोर्ड में तो नहीं आना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है आपका, सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, तो कभी कभी पाई को पास्कल में निकालने के लिए कह देते, अब कभी कभी पाई को पास्कल में निकालने के लिए कह देते, ये बिल्कुल रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयर कंडीशन, तब क्या करें, है ना। तो आप इतना देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में भी लिख के आना है इतना, ठीक है। अब जो हम अलग से बता रहे हैं वो हिंट के फॉर्म में लिख लीजिए, अच्छा देखो पहले जो हिंट है हम वो बाद में लिखवाएंगे, पहले वॉल्यूम कन्वर्जन लिख लो, वो पास्कल वाला हम लास्ट में, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना हमें, क्योंकि हमें पता है इतने से आपका सब हो जाना है, ठीक है। वॉल्यूम कन्वर्जन ये आने चाहिए आपको बच्चों, यहाँ तक एग्जाम में लिख के आना है बच्चों, आपको वॉल्यूम कन्वर्जन याद होना चाहिए आपको। मान लो आपको ml में दी गई है वैल्यू, तो 1 लीटर इक्वल कितना होता है 1 क्यूबिक, ये हम पहले ही बता चुके हैं, और 1 लीटर ही किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर की, है ना, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों एक और पता होना चाहिए, 1 ml ही किसके इक्वल होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर,
ए है ना, इसको सी सी भी लिख दिया जाता है कई बार। ये दो चीज़ें बच्चों आपको वॉल्यूम कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों एक हिंट लिखवा रहे हैं हम आपको। मतलब एक क्यूबिक डेसीमीटर जगह लोगे आप तो वो एक लीटर पानी को ही रख पाएगा। एक लीटर आप जानते ही हो 1000 ml। अगर आप एक क्यूबिक सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और विथ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, उतनी जगह में सिर्फ 1 ml ही लिक्विड आ पाएगा आपका। इसलिए 1 ml इक्वल होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों सी नंबर देखिए, रेयर है, हिंट है। इसको आप एग्जाम में ना बताएं, कोई ज़रूरत नहीं, और बताना है तो पूछ आपकी। देखिए हम जानते हैं एक हिंट का पार्ट है बच्चों ना, पाई वी इक्वल एन वी आर टी। ठीक है, अब देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में, अब आप देखो अगर हमें पाई चाहिए पास्कल में, पाई इन पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर है ना। तो अगर पाई आपको पास्कल में चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, दैट मीन न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में चाहिए आपको। ठीक है, पास्कल में। तब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा ये आपको लेना है क्यूबिक मीटर में, ये पहली चीज़। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, वहीं पर आप 1 क्यूबिक मीटर जगह लोगे तो उसमें 1000 लीटर लिक्विड आ जाएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल, मतलब जिसकी हाइट 1 मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो, विथ, तो वो 1000 लीटर, इतनी टंकी लोगे आप तो 1000 लीटर पानी अपने में भर लेगी। तो वॉल्यूम आपको, जे बच्चों अभी तक वॉल्यूम हम लीटर में लेते रहे, अब क्यूबिक मीटर में लेना है। ठीक है ना, आर की कौन सी वैल्यू रखनी है? आर की ना 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 8.314 यही बोल रहे थे। ओके, जूल मोल इनवर्स कैलकुलेटर, मोल इनवर्स या मोल इनवर्स जो आपको लिखना है, 8.31 जूल, जे वैल्यू रखनी है आपको। और टी का तो कोई दिक्कत ही नहीं केल्विन में। जी बच्चों रेयर वाला केस है। अब आपको थोड़ा हम समझा दें कि इससे पास्कल में कैसे आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ तो कहीं हमें पास्कल दिख ही नहीं रहा, इसके पहले एटीएम दिख रहा था, बार दिख रहा था, लेकिन इसमें तो जूल दिख रहा, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क, तो इसमें पास्कल तो कहीं दिख नहीं रहा, तो हमारा आंसर पाई का पास्कल में कैसे आ जाएगा? भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मन की आंखों से देखनी पड़ती है ना, कॉन्सेप्ट तो वो देख लेते हैं हम, सिर्फ सिंपल है ना। तो पाई हमें पास्कल में चाहिए, ठीक है, देखते आता कि नहीं पास्कल में है ना, ए एन बी ए आर ए टी और ए वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हम सिर्फ आर ओ भी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आर ओ भी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर हमने किस में रखा? 8.314। अच्छा इसको क्या, हमें तो सिर्फ यूनिट शो करनी पास्कल, तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और वॉल्यूम हमने किस में लिया? क्यूबिक मीटर में। जूल किसकी यूनिट है? एक प्रकार से अगर हम देख लें तो कई सारे एनर्जी और वर्क की भी है ना, तो वर्क क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर है ना। तो इस जूल की जगह हम क्या रख सकते हैं है ना, इस न्यू जूल की जगह हम रख सकते हैं न्यूटन मीटर, बाकी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है ना, ये मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे से क्या पड़ा हुआ है? क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर को ऊपर ले जाओ,
तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स 3, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, ऊपर क्या बचा, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 या न्यूटन पर मीटर दैट इज इक्वल टू, तो पाई हमारा कितना आ जाएगा। ऐसे आप समझाने के लिए यहाँ तक लिख गया था सबका बेस्ट, ठीक है। इसका बच्चे एक आधी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन ही इवन इन एनसीईआरटी, तो वो भी हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपका हो गया। अब इसमें थोड़ी सी एक छोटी छोटी सी हिंट और लिखनी है आपको, हिंट वाले पार्ट में ही है, ठीक है ना। तो ये हिंट वाले पार्ट में इसको हिंट फर्स्ट मान ली, तो अब इसको हिंट सेकेंड मान लो। देखो अगर प्रेशर आपको mmHg में दिया हो या टॉर में दिया हो, आपको प्रेशर mmHg में दिया हो, मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी या टॉर में दिया हो, तो उसको ATM में कन्वर्ट करना है आपको, ATM में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 760 से। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ATM किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, इतने होता है। तो हमने कहा कि हमें यहाँ पर 760 mmHg दिया गया, तो वो कितना ATM हो जाएगा, 1 ATM। अगर हमें यहाँ पर दिया गया आपका, मान लीजिए इसका डबल दे दिया गया, 760 का 1500 दिया गया, तो कितना आ जाएगा, 2 ATM। मतलब अगर हमें mmHg में प्रेशर दिया गया है, तो हमें उसको अगर ATM में ले जाना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 760 से। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। बच्चों जितनी भी हिंट आपको लिखवा रहे हैं ना, अच्छे से याद रखनी है। एक लास्ट हिंट और, थर्ड नंबर की विश, हिंट वाले पोर्शन को आप एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो लिखने के लिए। अच्छा, हमने 3% पढ़े हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज पढ़ा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको हम अलग से बताएंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ऑस्मोटिक प्रेशर में सिर्फ लिखा आ जाए परसेंटेज, अच्छा, और कहीं और परसेंटेज लिखा आ जाए, तो उसका मतलब हम कौन सा परसेंटेज मानते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज। अगर नहीं बताया गया तो हमेशा आपको वेट बाई वेट परसेंटेज मानना है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर परसेंटेज लिखा आ गया, तो आप इनमें से कौन सा परसेंटेज मानोगे, वेट बाई वॉल्यूम, हमेशा कौन सा, वेट बाई वॉल्यूम। ये भी एक छुपा क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लिखिए, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज इज नॉट गिविन, इज नॉट गिविन, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज इज नॉट गिविन, देन इट मीन्स इट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ इन ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज इज नॉट गिविन, इफ इन ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज इज नॉट गिविन, देन इट मीन इट इज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है बच्चों, नहीं आई होंगी अभी चीज़ें, हम पता है हम न्यूमेरिकल बड़े आराम से कराएंगे, आ जाएंगे, है ना। चैप्टर जब आपसे पूरा बनने लगेगा ना, तभी हम आगे चलेंगे। चलिए बच्चों, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा हो गया, एक मिनट देते हैं, जल्दी से देख के बताओ, इसे पूरा याद करके बताओ हमें, फिर आगे चलते हैं।